एक्चुअली आज जो हम संगठन बना रहे हैं थर्ड ग्रेड टीचर्स का एक कैडरवाइज संगठन बनाया है हमने, और थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए आज खुशी का दिन है। गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर हमने राजस्थान अध्यापक संघ TGT के नाम से एक संगठन की शुरुआत करी है, जिसमें थर्ड ग्रेड टीचर्स के जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे वो थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर से लेकर हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल की सीधी भर्ती से संबंधित हो, या फिर कोई भी जो मुद्दे होंगे थर्ड ग्रेड के, उनके लिए हम लड़ेंगे, जमीनी स्तर पर हम काम करेंगे। और ये पहला कैडर वे संगठन होगा राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स का अपना खुद का, और राजस्थान के जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। और उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस संगठन से जुड़े और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें। और हम सब आज जो शुरुआत करी है पिंक सिटी जयपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर, ये एक बहुत ही शुभ संयोग रहा है आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर, और इसको हम बहुत बड़े लेवल पर आगे लॉन्च करेंगे। तो आज पर्सनल जो थर्ड ग्रेड टीचर्स का कैडरवाइज संगठन की हमने शुरुआत करी है। सबसे पहले तो राजस्थान के शिक्षकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये जब से ये पद बनाया अध्यापक, तब से आज तक एक भी कैडरबेस संगठन राजस्थान में नहीं है, इसलिए कैडरबेस संगठन को हमने पहले ही बता दिया था पूरे राजस्थान के हमारे साथियों की सहमति से कि डिजिटल होगा, पारदर्शी होगा और लोकतांत्रिक होगा। तो डिजिटल के नाम पर हमने इसका ऐप लॉन्च किया आज, जिसका नाम गूगल प्ले स्टोर से हम इसको देख सकते हैं, राजस्थान अध्यापक संघ TGT के नाम से। उसी से इसका सदस्यता वगैरह सारी चीज़ें होगी, और उसी में नो लूजर प्रणाली के द्वारा ऑनलाइन चुनाव होंगे ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर तक के। उसके लिए आज गणेश चतुर्थी पर ऐप की लॉन्चिंग, और साथ में संगठन का जो संविधान है, संविधान की राजस्थान के शिक्षकों की एक मांग है कि इसमें जो पदाधिकारी है वो सिर्फ थर्ड ग्रेड टीचर ही होना चाहिए। तो मैं राजस्थान के शिक्षकों को निवेदन करूंगा कि ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और पहली लाइन है कि इसका जो सदस्य या पदाधिकारी होगा वो सिर्फ थर्ड ग्रेड टीचर होगा। जिस दिन उसका प्रमोशन या किसी अन्य ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, वह स्वतः ही इस संगठन से बर्खास्त माना जाएगा। और इस संगठन की पहली दो मांगे रहेंगी, जो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहला मुद्दा है ट्रांसफर पॉलिसी, जो ये सरकार 5 साल से धोखा देके जा रही है, और दूसरा वाइस प्रिंसिपल की सीधी भर्ती। हम तो 100% पदों पर मांग करेंगे। ये दो बातों को लेकर पूरे राजस्थान में मुहिम चलाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है राजस्थान के शिक्षकों की मांग पर ही इस संगठन की स्थापना की गई है, और जरूर हमें पूरा विश्वास है कि सरकार को एक न एक दिन झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।